ये एक्सरसाइज सुपीरियर है या इंफीरियर? केबल स्कूप एक्सरसाइज यूट्यूब पे और आप गूगल पे डालोगे तो ये आपको चेस्ट के साथ वेरिएशन में मिलेगी कि हाँ केबल स्कूप इज डन फॉर चेस्ट। चेस्ट मसल्स के लिए है या नहीं? साइंटिफिकली ये चेस्ट के लिए नहीं है, साइंस इसको डिनाई करती है। किसी भी मसल्स को टारगेट करने के लिए उस मसल का फंक्शन देना उसको जरूरी है। तो ये एक्सरसाइज को आप हैप्पीली एलिमिनेट कर दो। हाय एवरीवन, यूनाइटेड फिटनेस एकेडमी के इस चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है नए टॉपिक के साथ। आज हम बात करेंगे केबल स्कूप के बारे में। केबल स्कूप लोग जिम में चेस्ट के लिए करते हैं, जानेंगे ये एक्सरसाइज चेस्ट के लिए है या नहीं, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे ये एक्सरसाइज सुपीरियर है या इन्फीरियर। तो जानने के लिए वीडियो पर एंड तक बने रहिए। दिस इज केबल स्कूप। लोग जिम में कुछ इस तरह परफॉर्म करते हैं केबल स्कूप को। बहुत से लोग एक पैर आगे लेके करते हैं, बहुत से लोग दोनों पैर को यू नो एक ही लेवल में रख के कुछ इस तरह से भी करते हैं। अब जानते हैं केबल स्कूप एक्सरसाइज चेस्ट मसल्स के लिए है या नहीं। तो आंसर है ये एक्सरसाइज चेस्ट के लिए नहीं है। हालांकि यूट्यूब पे और आप गूगल पे डालोगे तो ये आपको चेस्ट के साथ वेरिएशन में मिलेगी कि हाँ केबल स्कूप इज डन फॉर चेस्ट, बट साइंटिफिकली ये चेस्ट के लिए नहीं है, साइंस इसको डिनाई करती है। आई विल एक्सप्लेन यू हाउ। मैंने इससे पहले भी कई बार बताया है कि किसी भी एक्सरसाइज को करने के लिए या किसी भी मसल्स को टारगेट करने के लिए उस मसल का फंक्शन देना उसको ज़रूरी है। एग्जांपल, अगर आप बाइसेप को ट्रेन करना चाहते हो तो आपको एल्बो फ्लेक्शन करना पड़ेगा, जो कि एल्बो फ्लेक्शन बाइसेप का फंक्शन है। अगर आपको ट्राइसेप को टारगेट करना है तो आपको एल्बो एक्सटेंशन करना पड़ेगा, ये ट्राइसेप का फंक्शन है। इसी तरह चेस्ट का फंक्शन हम लोग जानते हैं, चेस्ट का जो फंक्शन है वो है हॉरिजॉन्टल एडक्शन। दिस इज हॉरिजॉन्टल एडक्शन। अगर आपको चेस्ट मसल को ट्रेन करना है तो आपको हॉरिजॉन्टल एडक्शन करना पड़ेगा, ये शर्त है, ये कंपलसरी है, इसके बगैर चेस्ट नहीं ट्रेन कर सकते आप। अब देखते हैं केबल स्कूप में क्या हो रहा है। केबल स्कूप में आप देख सकते हो कि व्हाट आई एम डूइंग फ्लेक्शंस एट द शोल्डर जॉइंट। दिस इज फ्लेक्शंस, एंड फ्लेक्शन इज डन बाय एंटीरियर डेल्टॉइड, एंड एक फंक्शन यहां पे और होता है, प्रोट्रैक्शंस ऑफ द स्केपुला। प्रोट्रैक्शन मतलब स्केपुला का आउटवर्ड घूमना। जब स्केपुला आउटवर्ड घूमता है तो वहां पे दो मसल और काम करते हैं, एक तो है एंटीरियर सराइटस जो स्मॉल मसल से रिबकेज के पास का, और एक मसल है पेक्टोरलिस माइनर। तो ये एक्सरसाइज बेसिकली तीन मसल में इसमें काम करते हैं ड्यू टू द फंक्शंस ऑफ दोज मसल्स। एक तो फ्लेक्शन एट द शोल्डर जॉइंट, एंटीरियर डेल्टॉइड इज वर्किंग, दूसरा एंटीरियर सराइटस एंड पेक्टोरलिस माइनर। तो ये एक्सरसाइज चेस्ट के लिए साइंटिफिकली रॉन्ग है, मतलब है ही नहीं चेस्ट के लिए। तो ये एक्सरसाइज को आप हैप्पीली एलिमिनेट कर दो। ये एक्सरसाइज करके चेस्ट मसल को कोई फायदा नहीं होने वाला। ये तो इस तरह का बात हो गई कि आई एम डूइंग बाइसेप कर्ल और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यार मेरी चेस्ट बन जाए, मेरे ट्राइसेप बन जाए। ये अंधविश्वास है कि आप बाइसेप करोगे तो बाइसेप बनेंगे। इसमें आप जब चेस्ट आपकी एक्टिवेट हो ही नहीं रही तो आपकी चेस्ट कहाँ से डेवलप होएंगे। हाँ, इसमें एक चीज आपने और जिम के अंदर देखा होगा, जबरदस्ती एग्जैजरेशन मतलब किसी चीज को बढ़ा के करना, इज कॉल्ड एग्जैजरेशन। जबरदस्ती लोग चेस्ट में हवा भर के लाइक दिस दे आर ट्राइंग टू कॉन्ट्रैक्ट द चेस्ट। अरे व्हाई यू आर पंपिंग योर चेस्ट? पंपिंग इज डिफरेंट थिंग एंड कॉन्ट्रैक्शन इज डिफरेंट थिंग। तो इसमें देयर इज नो कॉन्ट्रैक्शन इन द चेस्ट मसल फाइबर। आप एग्जैजरेशन करके ये छाती को फुला के जबरदस्त उसको कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करो, ये आपका एफर्ट भी खराब जा रहा है, आपकी एनर्जी भी खराब जा रही है। तो ये एक्सरसाइज को आप चेस्ट के लिए दूर रखो, बाकी जो तीन मसल्स है उसके लिए आप कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और यूनाइटेड फिटनेस एकेडमी के इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन दबाना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।